ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज हाजीपुर पहुंचे, वहां उन्होंने महात्मा गांधी सेतु का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नितिन नवीन ने यह दावा किया है कि 2022 तक महात्मा गांधी सेतु पूर्वी लेन का सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी। पथ निर्माण मंत्री ने सदर अनुमंडल के महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 28 के पास अधिकारियों की टीम के साथ पुल के सुपर स्ट्रक्चर के हो रहे निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन का सुपर स्ट्रक्चर बन जाने के बाद उत्तर बिहार से पटना आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 तक महात्मा गांधी सेतु के समानांतर फोर लेन पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि महात्मा गांधी सेतु का सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा तो लोगों को जाम से निजात दिलाने की कोशिश मिलेगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। आने वाले समय में हाजीपुर के पासवान चौक तक 8 लेन उनका भी निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद हाजीपुर और पटना के बीच की दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। क्या कुछ कहना है नितिन नवीन का और किस तरह से उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को समझाया है, आप उनके पूरे बातों को सुनिए। आज महात्मा गांधी सेतु का जो पुराना अपना सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा था, सेकंड अलाइनमेंट का, इस काम को देखने के लिए हम लोग आए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो एक हम लोग को ड्रीम दिया था कि पुराने महात्मा गांधी सेतु को हमेशा एक रिपेयरिंग मॉडल पर काम चलता था, उन्होंने इसको जो कहा कि हम पूरी तरह से इसको सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करके एक टाइम फ्रेम में किया जाए। आज हम लोग देख सकते हैं कि पुराना महात्मा गांधी सेतु को हम लोग उस पुराने सेतु के जो पिलर पार्ट को छोड़ कर हमने पूरा स्पैन हटा कर सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से स्टील फ्रेमिंग पर इसमें काम किया जा रहा है। और जो टाइम फ्रेम में उन्होंने उम्मीद किया था, उस टाइम फ्रेम में हम लोग इसको जनता को सपोर्ट कर पाएंगे। पहला लेन पिछले साल माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जुलाई को समर्पित किया था जनता को, और मार्च महीने तक अगले साल हम लोग इसके दूसरे पार्ट को भी पूरे 4 लेन को कम्प्लीट कर पाएंगे। और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका भी प्रोविज़न किया गया, जो एक्सीडेंट के कभी कभी छोटे वाहनों का एक्सीडेंट का मामला आता था तो इसके लिए भी 2 मीटर का दोनों तरफ का एक फ्लैंक बनाया गया है, जिसके माध्यम से साइकिल और मोटरसाइकिल के या पैदल चलने वाले लोग आराम से इस पार से उस पार जा पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो हम लोग का टाइम फ्रेम था कि हम लोग समय सीमा पर 18 महीने का सेकंड स्पैन का था, उसको भी हम लोग पूरा टाइम फ्रेम में पूरा करेंगे। तो जहाँ देखो महात्मा गांधी सेतु का नया निर्माण हो रहा है, तो पुराना पुल का जो नींव था उस नींव को हम लोग रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करते हुए और नए सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। साथ इसमें 4 लेन का और जो एडिशनल हमने का एक और 4 लेन का ब्रिज बन रहा है, जिसका काम भी 2024 में पूरा होना है, उसको भी हम लोगों ने आज देखा है और उसमें भी अच्छे काम का प्रोग्रेस है। और कंपनी और हमारे जो विभाग के इंजीनियर्स हैं, NH के इंजीनियर सब लोग हैं, मिलकर काफ़ी अच्छा उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में हम लोग इसको जनता को सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये पूरा 4 लेन का जो ये पुल है, वो आगे जाके 8 लेन और 6 लेन का जो 2-2 लेन का जो 5 लेन का भी हम लोग का प्रोविज़न इसमें है, तो पूरा जो आपका पासवान चौक के पास जाकर ये 8 लेन में तब्दील रहेगा। और इस 8 लेन को पुल को दोनों तरफ हम लोग रोटरी के पूरा उसका जो गोलंबर है उसके भी वो भी डेवलप करेंगे, ताकि इनलेट और आउटलेट दोनों ही तरफ में लोगों का ट्रैफिक का फ्लो अच्छा रहे। और मुझे लगता है कि हाजीपुर और पटना के बीच में ये महात्मा गांधी सेतु अपने आप में लोगों के आवागमन के लिए सुलभ हो जाएगा। अभी तो ऐसे गंगा पे 6 पुलों का निर्माण का काम आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन उसमें सबसे पहला जो पहले 4 लेन था उसको हम लोग पूरी तरह से मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मार्च महीने में अगला पुल और 2024 तक हम लोग अगला जो 4 लेन है उसको भी पूरा कम्प्लीट कर पाएंगे। क्योंकि अब नया निर्माण हो रहा है, तो पुराना पुल का जो नींव था उस नींव को हम लोग रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करते हुए और नए सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। साथ इसमें 4 लेन का और जो एडिशनल हमने का एक और 4 लेन का ब्रिज बन रहा है, जिसका काम भी 2024 में पूरा होना है, उसको भी हम लोगों ने आज देखा है और उसमें भी अच्छे काम का प्रोग्रेस है। और कंपनी और हमारे जो
विभाग के इंजीनियर्स है, एनएच के इंजीनियर सब लोग हैं, मिलकर काफ़ी अच्छा उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2024 में हम लोग इसको जनता को सपोर्ट कर पाएंगे। ये पूरा 4 लेन का जो ये पुल है वो आगे जाके 8 लेन और 6 लेन का जो 2-2 लेन का जो 5 लेन का भी हमने का प्रोविजन इसमें है, तो पूरा जो आपका पासवान चौक के पास जाकर ये 8 लेन में तब्दील रहेगा और इस 8 लेन को पुल के दोनों तरफ हम लोग रोड की के पूरा उसका जो गोलंबर है उसके भी को भी डेवलप करेंगे ताकि इनलेट और आउटलेट दोनों ही तरफ में लोगों का ट्रैफिक का फ्लो अच्छा रहे। और मुझे लगता है कि हाजीपुर और पटना के बीच में ये महात्मा गांधी सेतु अपने आप में लोगों के आवागमन के लिए सुलभ हो जाएगा। अभी तो ऐसे गंगा पे 6 पुलों का निर्माण का काम आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन उसमें सबसे पहला जो पहले 4 लेन था उसको हम लोग पूरी तरह से मजबूती से खड़ा कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि मार्च महीने में ये अगला पुल और 2024 तक हम लोग अगला जो 4 लेन है उसको भी पूरा कम्प्लीट कर पाएंगे।